ये है एक सर्कल और ये है हमारे कंटेस्टेंट, लेकिन जो भी सर्कल में आखिरी में निकलेगा वही जीतने वाला है। और गाइस सारे कंटेस्टेंट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और जीतने वाले को मिलेगा ये प्राइस। मैं नहीं मानता, लाइक लिटरली गाइस जीतने से ना जिंदगी बदल ही जाएगी भाई। दो दो सुपर कार है। ये लोग को बाहर निकालने के लिए तो मैं अकेले काफी था, लेकिन मेरे साथ है यहाँ पे गार्ड्स भी। ये लोग मेरी हेल्प करेंगे ताकि मैं अलग अलग राउंड्स में ये लोगों को निकालने पे सक्सेसफुल हो सकूं। लेकिन गाइस अब मैं ये लोगों को यहाँ से निकालने के लिए करने क्या क्या वाला हूँ, वेल ये देखो ऐसा ही कुछ तो करने वाले अपन वीडियो में। सारे अलग अलग राउंड्स में इनके साथ अलग अलग चीजें हो रही है, तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अरे 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 एक मिनट, स्टार्ट करने से पहले गाइस वो देखो, वो वाला बटन, वो है सब्सक्राइब बटन, आपने वो नहीं दबाया यार। गाइस ये कैसी बात हुई, जल्दी से वो सब्सक्राइब बटन दबाओ। ऑल राइट, तो क्या तुम सबको लगता है कि एक्चुअली में तुम सारे इस वाले सर्कल में लास्ट तक रह सकते हो? ऑल राइट स्टार्टिंग में, अरे यार जादू कहां से आ गया। चलो ठीक है भाई, जादू तेरे को क्या लगता है कि तू लास्ट तक टिकेगा? आइला मैं नहीं टिकेगा तो कहां टिकेगा। ऑल राइट आई लाइक द कॉन्फिडेंस। और अगला, अरे हमारा चॉप है क्या भाई? चॉप तुझे क्या लगता है कि लास्ट तक कौन जीतने वाला है, कौन एक्चुअली में लास्ट तक सरवाइव करेगा? ये जो आपके सामने एक ब्लैक डॉगी दिख रहा है, स्मार्ट हैंडसम डैशिंग एंड मस्कुलर, यही जीतेगा। अच्छा तू जादू की बात कर रहा है क्या? मुझे भी लग रहा था कि तू भी जादू का फैन है। जादू? अरे भाई पागल हो क्या? ब्लैक हैंडसम डैशिंग एक ही है तो है यहाँ पर डॉगी, जगी हैंडसम हो। मैं अपनी बात कर रहा हूँ मास्टर के बच्चे। अरे अरे भाई तू तो दिल पे ले लिया, ठीक है। ऑल राइट स्नोप तू बता, तेरे को क्या लगता है कि कौन जीतेगा जी? हम तो तुमसे पूछना चाहता है जी, तुमको क्या लगता है कौन जीतेगा जी? यार बताओ ना, तुम हम अलग से पूछता रहता है जी, अपना तो बताओ। अरे यार ये तो मेरी ही क्लास लगा देता है हर बार। गाइस हम लोग रिस्पेक्टफुली इसको स्किप करते हैं। और हाँ ये भी स्किप के लायक है, शिनचान तेरे से पूछते हैं। अरे अरे देखो तो पहले से ही पता है कि आलोक जीतेगा, तो आलोक को स्किप कर दिया। ठीक है, मुझे ये डर तुम्हारे अंदर ये खौफ बहुत पसंद। मैं आलोक से खौफ कर रहा हूँ, ठीक है भाई? ठीक है यार, हफ्ते को लगता है कि तू जीतेगा, तेरे से पूछने का कोई मतलब है नहीं, अपनी ही तारीफ करेगा ये। शिनचान तुझे क्या लगता है कौन जीतेगा? आयरन भाई देखो, अगर मैं सच में दिमाग लगाकर आपको बताऊं तो मुझे लगता है कि शायद आयरन मैन जीत सकता है, क्योंकि उसका जो सूट है वो हर तरह के चैलेंजेस को झेल सकता है। ऑलराइट गाइस, इसने एक्चुअली में दिमाग लगाया, इतने सारे बंदों में अगर किसी ने दिमाग लगाया तो वो ये छोटू, 5 साल का शिनचान है हमारा। छोटे बच्चे समझ के मुझको हल्के में मत लेना आयरन भाई। अरे भाई तेरे को हल्के में कोई नहीं ले रहा यार। ऑलराइट माइकल तेरे हिसाब से कौन जीतने वाला है? मेरे हिसाब से ट्रेवर जीतेगा। अरे बाप रे, और ट्रेवर तेरे हिसाब से कौन जीतेगा? इसे तो रहा ईवी का, तुम पूछने की बात है, ये पूछने की बात है तुम्हारी, तुमको थोड़ी सी शर्म है कि नहीं है? तुम्हें शर्म है कुछ? अरे मैंने गलती क्या करी भाई, ये तो बताओ। अरे हमारे माइकल भाई के होते हुए तुम सबसे पूछ रहा है कौन जीतेगा, वही जीतेगा, अब तुम किसे नहीं पूछो। चलो अपना मूव ऑन करो, चैलेंज स्टार्ट करो। अरे अरे ठीक है भाई, क्या बोलूं मैं। तो गाइस अब अपन अपना चैलेंज स्टार्ट करने वाले, अपने पास है टोटल 11, अरे 11 थे, ये कहां से आ गया? ओए मकड़ी, आई मीन स्पाइडरमैन भाई, इतने लेट आ रहे हो यार, मैं तुमको सुबह का टाइमिंग दिया था। अरे चल भाई चैलेंज चालू कर। अच्छा कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है यार, थोड़ी देर रिस्पेक्ट करो। ऑलराइट देखो रूल्स काफी सिंपल है, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, और तुम लोग सिर्फ और सिर्फ इस रेड लाइन के अंदर रहना है, बाहर नहीं आना है, बाकी सब कुछ ठीक है, ठीक है? अरे ये कैसा रूल है भाई, आप जो भी कर सकते हो कर लो, और हमें जो करना है हम नहीं कर सकते हैं। यस यही रूल है। मतलब गाइस ऐसा कुछ नहीं है, सीन कैसा है कि ये सारे कंटेस्टेंट है ना, और मुझे इन्हें बाहर निकालने की कोशिश करना है, और गाइस एवेंजर्स भी है, तो एवेंजर्स को निकालने के लिए हमें काफी सारे एकदम ना दिमाग लगा के अलग अलग स्ट्रेटजी यूज करनी पड़ेगी। तो ठीक है भाई, गाइस हम लोग इनके साथ यहाँ पे राउंड्स पे खेलने वाले हैं, और अभी सबसे पहले तो इनकी ना सिर्फ और सिर्फ ये टेस्ट करना है मुझे कि क्या ये लोग सारे वेदर झेल पाते हैं या नहीं, क्योंकि हम लोग लिटरली समुंदर के बीचों बीच है, यहाँ पे बहुत एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होती है। तो पहले ये तो देखने दो कि ये लोग यहाँ पे वेदर झेल पाते हैं या नहीं झेल पाते, इसके बाद अपन सेकंड राउंड पे जाएंगे। ऑलराइट गाइस, तो मैं इन लोगों को यहाँ पे छोड़ के चला गया था काफी घंटे के लिए, और ये लोग वैसे के वैसे ही खड़े रहे। सबको पैसे जीतने की काफी ज्यादा ख्वाहिश है, लेकिन प्रॉब्लम्स तब हुई जब यहाँ का मौसम बिगड़ गया भाई। कभी यहाँ तेज धूप हो रही है, तो कभी यहाँ पे भाई एकदम अचानक से ओस आ जा रहा है, कभी बहुत तेज धूप, कभी बारिश हो रही है। बारिश तक तो सब ठीक था, लेकिन यहाँ पे जब बिजली कड़कने लगी तब आलोक चाचा जी मुझे डर लग रहा है। अरे भाई डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन मैं चेहरे पे लाने नहीं दूंगा डर का। मास्टर मुझे बाहर आना है, मुझे बहुत डर लगता है मास्टर, मुझे बाहर आना है। हो ऐसा है क्या, तेरे को बाहर आना है क्या? ऑल राइट बॉडी गार्ड उसे बाहर ले आओ। बॉडी गार्ड क्या लाएंगे, मैं खुद आ जाता हूँ मास्टर। मास्टर फाइनली मैं बाहर आ गया भैया, अब मैं यहाँ पे बारिश से बच के रहूंगा। अरे मेरे आते ही ये वेदर कैसे ठीक हो गया? आपका
थोड़ा सा वेदर के साथ भी सेटिंग है क्या मास्टर? आपके कहने से तो नहीं हो रहा है साहब। आई मीन पता नहीं, हो भी सकता और नहीं भी, लेकिन चौप यार देख, तू पहला कंटेस्टेंट है यार, अब अपन पहले कंटेस्टेंट को कुछ ना दे ऐसा तो हो नहीं सकता, तो अपन देखो कुछ देने वाले। मुझे पता था मेरे प्यारे मास्टर मेरे लिए बहुत अच्छी चीज रखेंगे, दिखा दिखा वो क्या है मास्टर। ऑलराइट चौप, वो है ये। ये क्या है भाई? ये तो एक जानवर को बंद करने का पिंजरा लग रहा है। एग्जैक्टली ये वही है, और तू भी तो वही है, जानवर को बंद करने का पिंजरा, सही तो है भाई। और मेरे को लगा था कि गिफ्ट लोगे, ये क्या है भाई? मेरे इमोशंस के साथ आप खेल रहे हो, अच्छा नहीं है ये। ऑलराइट गाइस, तो हमारा पहला बेकार कंटेस्टेंट बाहर आ गया है, अब यहाँ से ना एकदम सीरियस चैलेंज स्टार्ट होने वाला है। ऑलराइट गाइस, अब होगा राउंड टू। राउंड टू का नाम है लालच राउंड, क्योंकि गाइस यहाँ पे हम लोग अपने कंटेस्टेंट्स को लालच देने वाले हैं अलग अलग चीजों का, और जो जो बाहर आते जाएगा उसको वो चीजें मिल जाएंगी, लेकिन गाइस जो जीतेगा उसको इतना क्रेजी इनाम मिलेगा, और जो ऐसे ही बाहर आ जाएगा उसे थोड़ा मोड़ा ऐसी छोटी मोटी चीजें मिलेगी। ऑलराइट भाई लोग, एक काम करो, पहला लालच लेकर आओ। ऑलराइट, तो ये रहा हमारा पहला लालच, ये है बाइक। देखो भाई, ये है एक सुपर बाइक, ठीक है? तो तुम में से जिसको भी ये सुपर बाइक चाहिए उसे इस रेड लाइन को क्रॉस करके बाहर आना पड़ेगा। ऑलराइट गाइस, देखते हैं कि कौन है, किसके दिल में ये सुपर बाइक के लिए बहुत ज्यादा प्यार है, देखते हैं कौन आता है। आइला, मैं तो इस सुपर बाइक का कुछ कर नहीं सकता, लेकिन मास्टर से पूछता हूँ। आइला मास्टर, आपको क्या लगता है कि सुपर बाइक आपके काम आएगी क्या? अरे देख भाई, सुपर बाइक शायद काम आएगी, लेकिन ये तो सोच, जब मैं इतने सारे पैसे जीतूंगा तो कितनी सारी बाइक ले पाऊंगा यार। आइला मास्टर, लेकिन अगर आप नहीं जीत पाए तो? क्योंकि अगर आप अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे एवेंजर है, हो सकता है वो जीत जाए तो। बात तो तेरी सोचने लायक है, लेकिन फिर भी मैं छोटे मोटे लालच के लिए नहीं आऊंगा, बिल्कुल नहीं आऊंगा। उड़चके उड़चके जी, हम तो क्या करेगा जी, हमारा भाई भी बाहर चला गया जी, हम सोच रहा है ये बाइक लेके इसको यहाँ से निकाल लेके जी, लेकिन हम तो ये बाइक चला भी नहीं सकता जी, तो रहने दो। इसमें कंफ्यूज हूँ, क्या मैं ये बाइक लू? और बाइक तो मैं चला नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं इसे बेच के तो कुछ ले सकता था, लेकिन फिर भी अभी मुझे बाइक पसंद नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। अरे ड्राइवर, क्या बोलते हो, हम एक बार बाइक ले लेके, मेरे पास तो बाइक की भी कमी है। क्या बात कर रहा है ससुरा, हम इस छोटी मोटी बाइक के लिए नहीं जाएगा, अगर तुमको जाने का शौक है तो तुम जाओ, हम वो पैसा लेकर ही बाहर जाएगा, नहीं तो हम नहीं जाएगा। ठीक है, मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं बाइक ले लेता हूँ। ऑलराइट गाइस, माइकल आ रहा है, वेट अ मिनट। अरे यार, मैं जाऊँ कि नहीं, मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि अगर मैं बाइक नहीं लेता हूँ तो मुझे ये जीतने का मौका मिलेगा, लेकिन अगर मुझे ये भी नहीं मिला, ये भी नहीं, और खाली हाथ जाना पड़ा तो बड़ी समस्या होगी। एक काम करता हूँ यार, बाइक ही ले लेता हूँ। आर्यन, मैं ये बाइक लेने आ रहा हूँ। हाँ तो बाहर आना, बाहर आके बैठ जा बाइक में, बाइक तेरी हो गई। अरे यार, मैं कंफ्यूज हूँ, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, मैं बाइक लूंगा, ये लो। अरे वाह भाई, कॉन्ग्रेट्स बाइक के लिए। थैंक यू, मुझे वैसे भी बाइक की जरूरत थी, पुरानी बाइक बहुत खटारा हो गई है। चलो आर्यन, मैं मिलता हूँ, बाय। ऑलराइट गाइस, हमारा राउंड वन लालच राउंड बहुत क्रेजी सक्सेसफुल रहा, हमने एक कंटेस्टेंट को सक्सेसफुली निकाल लिया। अगर ऐसे ही सारे राउंड में एक एक कंटेस्टेंट निकल गया ना गाइस, तो लास्ट में ना सिर्फ बहुत ज्यादा डेडिकेटेड वाले बंदे बचेंगे जिनको एक्चुअल प्राइज मिलेगा, वरना सारे निकल जाएंगे। ऑलराइट, अब अपन नेक्स्ट राउंड पे जाते हैं गाइस। ये जो नेक्स्ट राउंड है ना, ये एक्चुअली में सबके दिमाग में ना हलचल पैदा कर देगा। ये है राउंड नंबर टू, इसका नाम है द टाइगर राउंड। ये लिटरली सबसे ज्यादा स्केरी राउंड है, यहाँ पे ना आपको अंदर कंटेस्टेंट के दिमाग में क्या विचार चल रहा है वो दिखाता हूँ मैं। अच्छा भाई लोग, सुनो, अगर तुम लोगों शेर से डर लगता है ना, तुम्हारे पास बस एक ही ऑप्शन है, इस पूरे सर्कल में थोड़ी सी जगह खाली है, वहां से चुपचाप बाहर निकल जाओ, वरना 10 गिनते ही ये सारे शेर झपट्टा मारने वाले हैं, ठीक है? अब देखते हैं कौन भागता है कौन नहीं। आइला, मैं तो शेर का शिकारी बिल्कुल नहीं होगा, मैं भाग रहा हूं, मुझे शेर से बहुत डर लगता है। ऑलराइट गाइस, जादू इज आउट। उड़चके उड़चके जी, हमको शेर से डर लगता है जी, हम भी जाएंगे जी, हमको शेर से बहुत डर लगता है जी, हमको मैम कह रहे जी, हम शेर से बहुत डरते हैं जी। अरे यार, शेर से तो मैं भी डरता हूँ, लेकिन मेरे पास एक आइडिया। स्पाइडी भाई, मेरी बात सुनो यार। अरे क्या हो गया? स्पाइडी भाई, हम दोनों कोलैब कर लेते हैं भाई, हम लोग साथ वाले हो जाते हैं। अगर कोई शेर मुझ पे झपट्टा मारेगा तो क्या तुम मुझे बचा लोगे? बताओ यार, तुम तो सबकी जान बचाते हो,
प्लीज। चलो ठीक है, तुम इतना ज्यादा रो रहे हो, तुम्हारे चेहरे में इस मासूमियत को देखकर मुझे बहुत दया आ रही है। तुम बड़े उदास से लगते हो और तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें मदद की जरूरत है, तो मैं तुम्हें मदद जरूर करूंगा। अरे अरे भाई, इतना ज्यादा बेइज्जत करने का क्या जरूरत है यार। चलो ठीक है, कम से कम मैं अंदर तो रहूंगा। थैंक यू भाई, थैंक यू बोलने लायक तो था नहीं, पर थैंक यू। गाइस मुझे भी डर लगता है, लेकिन मैं मदद किससे मांगू, यह पिति सब एक से बढ़कर एक है। आयरन चाचा जी, एक बात बताओ, क्या आप मेरी रक्षा करोगे? बिल्कुल करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, बिल्कुल करूंगा, कोई चिंता की बात नहीं है शिनचान। जब तक आयरन मैन है तब तक तुम निश्चिंत रहो। अरे वाह, मेरा तो काम हो गया है। ओए अगर ऐसा ही चलता रहा ना, और तो ये सारे के सारे कंटेस्टेंट अंदर ही रह जाएंगे, और मुझे कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे ये सारे के सारे कंटेस्टेंट बाहर आए। और ये 2.5 किलो का हाथ है, 2.5 किलो का, अब मुझे इस हाथ को 10 किलो का बनाना पड़ेगा, वरना ये सारे कंटेस्टेंट अगर अंदर रह गए तो मुझे पैसा कैसे मिलेगा। एक मिनट भाई, थोर लगता है सुबह सुबह नाश्ते में ना जैक को खा गया है, उसकी आवाज जैक जैसी क्यों आ रही है? ओ ये थोर का हथौड़ा, ओए अभी मजा आएगा, ओए सारे शेर, ओए सब इधर आ जाओ। अरे यार गाइस, ये क्या हुआ? अरे भाई थोर चाचा जी, थैंक यू वेरी मच, आपने सारे शेर को भगा दिया। ओए एक मिनट, ओए ये क्या हो गया? ओए मैं तो सारे शेर को तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा था, ओए लेकिन लगता है मैंने ज्यादा जोर की हवा घुमा दी, सारे शेर उड़ गए। अरे बाप रे बाप, भाई देख रहे हो, इसने शेर को चिड़िया जैसे उड़ा दिया। भाई ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। उड़चका जी, हमको तो लगता है जी की अमलक बाहर निकल के बात अच्छा किया जी, क्योंकि अमलक को भी ऐसे उड़ा देता जी। आयला बिल्कुल सही बोला, वैसे तो मैं जादू, मैं उड़ने के लिए बना, लेकिन अगर मैं सच में उड़ जाता तो बहुत दिक्कत होती। अरे यार गाइस, इसने ना मेरा यार राउंड पूरा चौपट कर दिया, लेकिन चलो फिर भी कुछ कंटेस्टेंट तो बाहर आए, बट यार मैं चाहता था कि और भी आए, लेकिन चलो कोई ना, अब नेक्स्ट राउंड में चलते हैं। गाइस नेक्स्ट राउंड जो है ना, उसमें जो थॉर है ना, इसकी ये हवा वाली शक्ति काम नहीं कर सकती वहाँ पे, क्योंकि अब नेक्स्ट राउंड बहुत क्रेजी होने वाला है। ऑलराइट गाइस, तुम लोग नेक्स्ट राउंड की तैयारी करो। ऑलराइट गाइस, ये हमारा नेक्स्ट राउंड, ये है क्वेश्चन एंड आंसर इस राउंड है गाइस। ये यहाँ पे किसी की पावर काम नहीं करेगी, यहाँ पे देखते हैं कि किसकी बुद्धि में कितना दम है। और क्वेश्चन पूछने के लिए हमारे जुड़वा भाई भी है, भाई चॉप एंड स्नॉप। ऑलराइट भाई, हाइट वाइज लाइन बनाना, ठीक है, जल्दी से हाइट वाइज लाइन बनाए, खड़े हो जाओ। ऑलराइट वेरी गुड गाइस, ये लोग ने अच्छी लाइन बना ली है। अब तुमने लाइन बना ही लिया, तो आ जाओ भाई, पहले कंटेस्टेंट आ जाओ। हेलो, गुड मॉर्निंग अंकल जी। हम तुम्हें गुड मॉर्निंग अंकल लिखते हैं, अंकल लिखते हैं। अरे मैं तो अरिन भाई को बोल रहे थे, और इतने गुस्से क्या कर रहे हैं चपकी बच्ची। अरे भैया, अभी आज हम टीचर बने हैं, टीचर क्यों भाई? डिचके जी, हम दोनों टीचर है जी, आज के दिन तुम्हारा नहीं चलेगा जी। ओ भाई, वो तुम्हारा भी नहीं चलेगा, मैं ही पूछ रहा हूँ, तुम लोगों को बस रखा हूँ ताकि एक आध अगर मैं नहीं पूछ पाया तो पूछ लेना। अरे ऐसा है क्या, हम लोग सब्स्टिट्यूट है क्या? पहले बताया था, मुझे लगा कि मैं मेन हीरो हूँ। जब तू कभी भी मेन हीरो नहीं हो सकता है। डिचके जी, एक दिन हम दोनों मैन हीरो हो गए जी। ऑलराइट शिनचान, तेरे से मैं एक क्वेश्चन पूछने, ठीक है, ये बता कि अगर तू प्राइस जीत जाता है तो तू क्या करेगा? मैं तो मजे करूंगा, और क्या? What? अरे भाई थोड़ा सोच समझ के आंसर देता, मजे करूंगा, ये कैसा आंसर है? चल कम से कम तू ऑनेस्ट है, मैं तेरे से अब एक्चुअल सवाल पूछने वाला हूँ, ठीक है? देख शिनचान, सबको बता कि चॉप की पूछ नहीं है, ठीक है, ये तू भी जानता है, लेकिन क्या स्नॉप की भी पूछ नहीं है? अगर तूने सही आंसर दे दिया तो फिर तू इस सर्कल के अंदर रहेगा, नहीं तो तुझे भगा दिया जाएगा। अरे हाँ, ये चॉप की तो पूछ नहीं है, लेकिन मुझे स्नॉप का कुछ आइडिया नहीं है यार। आई गेस की स्नॉप की भी नहीं होगी अगर दोनों जुड़वा है तो। ऑलराइट, ये बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि ये देखो भाई, स्नॉप की भी पूछ कटी हुई है, दोनों भाई बिना पूछ के घूमते हैं यार। ऑलराइट शिनचान, कांग्रेट्स, तू सर्कल के अंदर रहेगा। अरे भाई मैं तो अंदर रहूंगा, देखते हैं अगला आलोक चाचा जी है क्या होता है। अरे यार इतना इजी पूछा था, मेरे से भी इजी पूछना। हेलो हेलो, कैसे हो भाई लोग? अच्छी डिचका डिचका जी, हम तुम्हारा भाई नहीं बनने का जी, हमको अपना नाम खराब नहीं करने का जी। अरे भाई आलोक की तो बहुत बुरी बेइज्जती है, डॉगी कर दे रहे। अरे यार चलो जल्दी से सवाल पूछो, हाँ नहीं तो मेरा दिमाग और टाइम दोनों खराब मत करो। आपका दिमाग और टाइम दोनों खराब ही है, हम करेंगे क्या मास्टर? अगर आप बोलो तो मैं पूछ लूँ क्या? अरे पूछ ले भाई पूछ ले, वैसे भी आलोक मेरे प्रश्न के लायक होगा नहीं, तू पूछ ले। अरे यार इतनी बेकार, इतनी गंदी बेइज्जती, गाइस मेरी इज्जत ही नहीं है, मैं खुद ही बाहर चले जाऊंगा यार। अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है बाय। अरे नहीं नहीं नहीं, पहले क्वेश्चन पूछ भाई, क्वेश्चन पूछ। तुमसे मैं
क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, मैं अंताक्षरी खेलूंगा। अरे क्या अंताक्षरी? अरे क्या कौन सी साड़ी पहनेगा? क्या बोल रहा है भाई? अंताक्षरी भाई, अंताक्षरी उसमें गाना गाते हैं। चलो तुम ऐसे अपने मन से गाना गाओ, अगर तुम अच्छा गाओगे तो रखूंगा, नहीं तो भगा दूंगा। अरे ऐसे ऐसे, अरे वाह ऐसे तो शिनचैन है, चलो ठीक है। अरे ये है शिनचैन नोहारा, करता है टाइम खराब हमारा, फिर भी सबको लगता है ये बड़ा प्यारा, 5 साल से बढ़ नहीं पा रहा, बंद कर दे भाई गाना आलोक, तू इस बार भी बाजी हारा। शुक्र बना अभी तक किसी ने जूता नहीं मारा। अरे अच्छा ठीक है यार, तो मैं जाऊँ कि रुको? हाँ तू रुक जा भाई, तू इस सर्कल में रहेगा क्योंकि तू बहुत यूजलेस है, तू बाहर जाके भी क्या करेगा। अरे जैसे भी हो, फाइनली मैं हूँ। तो गाइस आलोक चाचा जी ने बोला कि मैं हूँ प्यारा, और सब्सक्राइब बटन ही है हमारा आखिरी सहारा, तो अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो जल्दी से। ऑलराइट भाई नेक्स्ट आ जाओ। ईगो होगा ससुरा, तुम हमसे गाना गवाएगा? हाँ हम नहीं गाएगा तुम्हारे लिए। अरे ड्राइवर भाई, मैं तो देखो गाने ही नहीं बोल रहा हूँ यार, मेरा क्वेश्चन तो एक बार सुन ले। मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज योर नेम भाई, इतना ही बता दे तू, व्हाट इज योर नेम? ईगो बात है गवा, तुम सिर्फ हमसे हमारा नाम पूछ के छोड़ दोगे? एक मिनट, ये तो हमारे लिए बहुत बढ़िया बात है। ठीक है हमारा नाम है ट्रेवर। ट्रेवर चाचा जी आप सर्कल में रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ये हुई ना बात, हमारा दबदबा बना रहना चाहिए। अरे यार एक ट्रेवर है और एक मैं, मेरी हमेशा बेइज्जती, ड्राइवर की बहुत इज्जत है। ऑलराइट भाई नेक्स्ट। अरे मैं आ गया, मैं हूं स्पाइडरमैन। आई मीन भाई तुझे इंट्रो की कोई जरूरत नहीं है, तेरे कपड़े से समझ आ रहा है अपने को। आपका क्वेश्चन ये है कि आपका सच में मकड़ी ने काटा था? क्योंकि मुझे 2-3 बार मकड़ी ने काटा है, छिपकली ने भी चढ़ा है, और एक तो चीटे ने भी काटा है, लेकिन मैं तो कभी डॉगी से कुछ और बना नहीं, ना ही कोई शक्ति आई। तो सच सच बता कि आपको सच में मकड़ी ने काटा है? अरे हाँ यार लोग मानते रहिए, मुझे जो मकड़ी काटी थी वो लैब की थी, एक बहुत स्पेशल मकड़ी थी, उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहा था, उसने मुझे काटा और मुझ पे भी एक्सपेरिमेंट किया गया, और तब से मैं स्पाइडरमैन हूँ। अच्छा ठीक है आप रह सकते हो। गाइस यार ऐसे में तो ना कोई बाहर ही निकलेगा, ये वाला जो राउंड है ना अपना, अपने को ना यही खत्म करना पड़ेगा। ओ भाई मेरे दोनों बुद्धू डॉगी, अरे ये तो गिर गया। तुम दोनों को जो काम के लाया था ना कि ताकि तुम लोग ऐसे ऐसे सवाल पूछो कि कोई आंसर ना दे पाए और इन लोग को बाहर जाना पड़े, तुम लोग तो उसमें फेल हो गए, कोई अच्छा सा क्वेश्चन ही नहीं पूछ पाए। मास्टर मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया है। हाँ भाई तूने अपना बेस्ट ट्राई किया ये तो लग ही रहा है, तो इसीलिए आई एम सॉरी भाई लोग, अपन ये वाले राउंड को अब यहाँ पे खत्म कर रहे हैं और आ रहा है नेक्स्ट राउंड। टडा ये रहा अपना नेक्स्ट राउंड गाइस, अपना नेक्स्ट राउंड है लकी व्हील वाला। अब यहाँ पे अपन व्हील घुमाएंगे एक एक करके सभी के लिए, तो भाई वापस से सब लाइन पे लग सकते हैं। और मैं बता दूं इसके बाद ना भाई बहुत सारे निकलने वाले हैं, क्योंकि इस लकी व्हील में गाइस या तो प्राइज मिलेगा या फिर सीधा सीधा उसे निकाल दिया जाएगा। अरिन भाई ये तो बिल्कुल लाइन से भी है, इनके साथ एक भी राउंड नहीं हुआ और हमारे लिए एक फिर से आ गया, मुझे ये बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं। अरिन भाई अगर आप ऐसे ही करोगे हम लोग के साथ इतनी बेईमानी होगी तो मैं नहीं खेलूंगा, मैं बाहर जा रहा हूँ। अरे भाई दिल पे क्यों ले रहा है? वेल अगर तुझे बाहर जाना तो मैं मना नहीं करूंगा भाई, क्योंकि हमारे पास कंटेस्टेंट्स की कमी अभी है नहीं। आपको एक बात बताता हूँ, आगे जाके कंटेस्टेंट्स और आएंगे। क्या बोल रही हूँ बेबी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यही खड़े रहूंगा और मुझे कहीं जाने का मन भी नहीं है, अब तो मैं जीत कर ही निकलूंगा। गाइस अब अपना ये जो व्हील वाला राउंड है ना ये अब स्टार्ट होने वाला है, लेकिन अपने पास ना टाइम बहुत कम है, तो ये वाला अपन आगे वाले वीडियो में करेंगे। अगर आप इसका आगे का देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट से पार्ट 2 लिखो, क्योंकि गाइस नेक्स्ट वाले पार्ट में ना और भी काफी सारे कंटेस्टेंट जुड़ने वाले, ये लोग को पता नहीं है हम लोग के पास एटलीस्ट 50 कंटेस्टेंट हो जाएंगे और वो बहुत क्रेजी होगा। अगर आपको देखना तो कमेंट से बताओ। बाकी वीडियो में तो इतना ही था, पसंद आई तो लाइक करो, चैनल पर हो तो सब्सक्राइब करो। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय।